गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरा नर्सरी है रेड सैंडल का। ये रेड सैंडल का प्लांट्स है। मैं रेड सैंडल का सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सब लोग को डाउट है कैसे करना है। इन लोग को बोले तो बहुत हार्ड है, ये नहीं होता है, सब लोग सोचते हैं। अपना पानी रहेगा तो सीड का जर्मिनेशन करने का इच्छा है तो सभी लोग कर सकता है सर। मैं 10 टू 12 ईयर्स मैं करता जा रहा हूँ सर। जर्मिनेशन एक्सेलेंट जर्मिनेशन आ रहे। अभी मैंने सीड का जर्मिनेशन किया। मैं ड्रम दिखा रहे, ये क्या है ड्रम दिखा रहे बोल के सोच रहे। ये ड्रम में पावर है सर। अभी मैं 15 डेज हो गए सर, ड्रम के अंदर रेड सैंडल सीड है। अभी 15 डेज के बाद में ओपन कर रहे। ये मालूम है सर बोरी, इसको जूट का बोरी बोलते हैं, चीनी बोरी बोलते हैं, कोई कोई लोग अलग अलग स्टेट में बोलता है। ये देखो, अभी ये 15 केजी का रेड सैंडल का सीड है। बहुत जर्मिनेशन आ गया, वाह वाह एक्सलेंट। मेन अपने को सीड क्वालिटी वाला लेना सर, एजड सीड लेना। देखो बहुत आ गया सर, मैं नीचे बहुत खोल दिया तो बहुत होता है, पूरा जर्मिनेशन आ गया। वाह 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 सुपर। ये कुछ भी नहीं सर, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। ये अपना प्रोसेस किया तो 100% बीज आएगा। ये 15 डेज में इतना आ गया और 15 डेज में पूरा 90% टोटल सीड। आप 100 बीज लिया तो 90 पौधा का बनेगा। देखो हमें अभी सीड का पौधा अभी लगाने के बाद में पूरा 100% का पौधा सक्सेस है। अभी ये 37 डेज हो गया, 37 डेज में इतना हाइट हो गया और 30 डेज में 1.5 फीट तक बन जाएगा। अभी टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इस वजह से भी ग्रोथिंग होता है। मेन शेड नेट ज़रूर लगाना सर। शेड नेट नहीं है तो आपको सीड डेवलप नहीं होता है, पौधा नहीं बढ़ता है। अभी टेम्परेचर कारण से वीक होता है पौधा, बीज आता है जर्मिनेशन, सीड क्या बीज आता है। पौधा क्या है ना, बाहर लगाने से क्या होता है ना, पौधा उतना ग्रोथिंग नहीं होता है, जल जाता है पत्ती। ये पत्ती क्या है ना, बहुत स्मूथ होता है, उसी कारण से वो पौधा ग्रोथिंग होता है मर जाता है, होता है मर जाता है। अभी शेड नेट में डेवलप किया तो आपको एक्सेलेंट ग्रोथिंग होता है, बढ़िया होता है। देखा सीड का कितना जर्मिनेशन आ गया। अभी मैं पूरा नीचे डालना, कल लगा दूंगा। अभी पैकेट रेडी नहीं है, जो पैकेट रेडी होगा तो अभी ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं हमारा दूसरा नर्सरी में, वो नर्सरी में हम लगाना है। देखा बीज जर्मिनेशन ये सब वाला लगाना है, कितना जर्मिनेशन हो गया। ईजी सर, मेरे पास क्वालिटी बीज मिलता है, 100% क्वालिटी बीज। क्वालिटी बीज सेलेक्ट करना है सर। आप पहले आप 1000 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है, 2000 रुपये में भी बेचने वाला है, वो बीज आप देख के एजड बीज लेके लेना है। एजड बोले तो पेड़, वो ट्री में बीज एज होना है। वो कच्चा बीज काट के वो धूप में करके बीज सेल करता है, वो बीज जर्मिनेशन नहीं होता है। वो पेड़ में ड्राई होना है, बीज ड्राई होके तब नीचे गिरने का टाइम आता है, वो बीज कटिंग करके आपने खरीदना है। आप कच्चा बीज कटिंग करके वो सूखा करके वो बीज लगाएगा तो आप 1000 रुपये में 2000 रुपये में खर्च करके बोरी ऐसा हार्ड वर्क करके आपको बीज जर्मिनेशन नहीं आता, आपको करने की इच्छा नहीं होता है। पहले मेन इम्पॉर्टेंट बीज का क्वालिटी बीज खरीदना है। आप कहीं भी बीज क्वालिटी बीज खरीदना है, वो पूछना आप एजड सीड है तब आप तब परचेज करना है। ओके फ्रेंड्स, मेरा नंबर 8977389499 और एक नंबर है 6281770747। माय व्हाट्सएप नंबर 8977389499। ओके थैंक यू बाय। ये सीड का जर्मिनेशन आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को फ़ोन कर सकता है। मेरे पास वाइट सैंडल सीडू, रेड सैंडल सीडू, मलबार नीम सीडू सब अवेलेबल है, स्टीविया सीडू, सीताफल सीडू सब अवेलेबल है। आप परचेस कर सकता है, हम आंध्र प्रदेश है, गुंटूर है। ओके थैंक यू बाय।